हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, फेसबुक का इस्तेमाल तो आप लोग करते ही होंगे। अगर आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है तो 101% आप फेसबुक का इस्तेमाल करते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप फेसबुक में अपने नंबर को हाइड कर सकते हो। बहुत बार हमारे साथ ये प्रॉब्लम होता है जब हमारे फ्रेंड सर्कल से ना होकर के कोई बाहरी पर्सन जो हमें कॉन्टैक्ट करने लगता है फेसबुक के थ्रू, तो वो हमारे डिटेल्स भी निकालने शुरू कर देता है कि आखिरकार ये बंदा करता क्या है, कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है। क्योंकि फेसबुक में हम सब कुछ शेयर करते हैं तो वहाँ पे हमारा मोबाइल नंबर भी दिया रहता है जिससे वो हमें इजीली कांटेक्ट कर सकता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी थर्ड पर्सन को हमारे मोबाइल नंबर के बारे में पता चले, वो भी फेसबुक के थ्रू। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप फेसबुक में अपने मोबाइल नंबर को हाइड कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। वैसे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए हमेशा लेके आते रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं सीधा मोबाइल होम स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको अपने फेसबुक में अपने मोबाइल नंबर को हाइड करना है। उसके लिए क्या करना है, आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा जिस तरह से मेरा दे रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर में आपको 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा है तो 3 डॉट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा तो आपको क्या करना है, आपके प्रोफाइल आइकन जो दिख रहा है इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा तो इसे आपको थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देख सकते हो एडिट पब्लिक डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है। उसके जस्ट ऊपर में सी यूअर अबाउट इन्फो का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा जिसमें आपका सारा का सारा डिटेल जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो इसको आपको थोड़ा सा इस तरह से स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा है। तो उसके बगल में जस्ट आपको एडिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो आपको एडिट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब एडिट के ऑप्शन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे कुछ इस तरह का नया इंटरफेस पेज ओपन होगा। वीडियो को पूरा देख लो, अगर यहीं से स्किप करके चले जाओगे उसके बाद फिर आके कमेंट करोगे कि भाई आपने जो तरीका बताया वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा पहले देख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर तो आपके पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे आपको देख सकते हो एक ताला का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके मोबाइल नंबर के जस्ट बगल में, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो 3 ऑप्शन खुल के आ रहा है, पब्लिक, फ्रेंड्स एंड ओनली मी। तो मेरा अभी सिलेक्ट हुआ है ओनली मी, यानी कि मैं अपना मोबाइल नंबर सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, ना तो कोई मेरा दोस्त देख सकता है ना ही कोई दूसरा बाहर का बंदा। अगर आप पब्लिक पे रख देते हो तो जितने सारे लोग फेसबुक के ऊपर अवेलेबल हैं या फिर अवेलेबल भी नहीं हैं तो आपका नाम सर्च मार करके आपके नंबर को वो निकाल सकते हैं। तो आपको अगर अपने नंबर को छुपाना है तो आपको ओनली मी पे सिलेक्ट कर देना है। ओनली मी पे सिलेक्ट करने के बाद आपको स्क्रॉल करना है, देन नीचे पे यहाँ पे सेव ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब सेव के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका नंबर जो है वो हाइड हो गया होगा। आप कोई भी बंदा या फिर बंदी आपके प्रोफाइल में जा करके अगर आपके अबाउट सेक्शन को खोलते हैं तो वो आपका नंबर दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट में अपने मोबाइल नंबर को हाइड कर सकते हो, जिसके बाद आपके अलावा उस सेटिंग को कोई भी चेंज नहीं कर पाएगा जब तक वो आपके फेसबुक का एक्सेस ना ले ले। तो आई होप ये वीडियो आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा और नॉलेजेबल लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।